हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन तो आज हम लोग फाइव मिनट मेकअप लुक करने वाले हैं और उसको बहुत जल्दी करने बहुत आसान तरीके से मैं करूंगी और ये आप देखो ये मैं स्किन को प्रैप करने के लिए इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूंगी एंड पहले देखो मेरे फेस पे कहीं कहीं पे ना आप देखो कि कहीं ब्लैक सा है कहीं व्हाइट है तो इन सब को हाइड करने के लिए मैं ये करेक्टर यूज करूंगी एंड इस करेक्टर को अपने फिंगर से इस तरह से करके बस अब मुझे इसमें डैप करना है मतलब इसके अंदर फिलअप करना है इस तरह से समझ लो ठीक है एंड इसके बाद कंसीलर को ना भर के नहीं लगाना क्योंकि भर के लगाएंगे तो फिर क्या होगा हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको अपने फेस में डिफ्यूज करने में तो हमें जल्दी जब मेकअप करना है और अच्छा लुक क्रिएट करना है ना तो बस थोड़ा थोड़ा ही लेंगे एंड फिंगर की हेल्प से ही आपको ना इस तरह से डैप करना है मेरे हस्बैंड ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं मतलब मेकअप के लिए और इतनी सारे प्रोडक्ट होने के बाद सोचती यार मैं कब यूज करूंगी तो मतलब मैं सोची हूँ आजकल ना थोड़ा जल्दी मेकअप uh, कर सकू उस वाले टाइप uh, के मेकअप अपलोड करूँ तो मे भी वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो अब यहाँ देखो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ना मैं आईज के नीचे पहले आपको ना सुगर uh, वाला बनाना पाउडर लगाना है क्योंकि अः लगाना इंपॉर्टेंट है कुछ आउट होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे है। अब यहाँ पे मैं 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 मनीष मल्होत्रा का का ये यूज कर रही और इस मैं पिंक कलर का लूंगी। कलर और इससे के इस कलर को लेके करती आपके ऊपर है आपको जो फर्स्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो वो कितना ज्यादा डार्क चाहिए मैं बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं करती हूं और बहुत लाइट भी नहीं मतलब मीडियम मीडियम सा कुछ इस तरह रखूंगी और इसी तरह से आपको अपने हैंड से इस तरह से करते रहना ऐसे ब्रश के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कौन से ब्रश जो है तीन चार ब्रशेज जो आपको मस्ट हैव होने चाहिए तो वो आप मैं लिंक डाल दूंगी आप देख सकते हो इफ यू वांट अब देखो इसके बाद मैंने ना जो मैंने पिंक कलर लिया था ना बस उससे डार्क सेड में जा रही हूँ ठीक है तो उससे डार्क सेड गई और यहाँ पे मैं इसको फिल करूंगी ये दूसरा ब्रश है इसको क्या बोलते हैं अभी मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगी तो बस यहाँ पे इस ब्रश से लेके एंड सॉकेट ब्रश मेरे को याद आ गया अभी सॉकेट ब्रश से बस मैं यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ इसको लूंगी और कॉर्नर्स पे ना आप थोड़ा कलर रख के फिर इसको पीछे की तरफ लेना अब ये देखो जो जेल लाइनर मैंने दिखाया ना उसको लूंगी एंड फ्रेंड्स प्लीज मतलब आज इस बार क्या हुआ ना कि डॉल्सी मेरे बेडरूम में सो रही थी एंड उसका मिरर मतलब जो मेकअप करती हूँ वो उधर था इवन मैंने कैमरे में देख के इसको ये ब्लू वाला लाइनर लगाया है मेरे को पक्का बताना कि मैंने सही लगाया है या नहीं कमेंट करके एंड बस मैं ना यहाँ पे आप देखोगे ना कॉर्नर में आई के दोनों साइड कॉर्नर पे ना मैं थोड़ा पतला रखूंगी एंड ऊपर की तरफ ना थोड़ा सा मोटा मेरे को क्रिएट करना है आपकी मर्जी है देखो तो, बट इतना मोटा अच्छा लग रहा है आप मेरे को बताना कि मेरे को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए आप कैसे करना चाहिए आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मेरे को इसमें ना बड़ी दिक्कत हुई मेरे को तो लगा कि आज मेकअप मैं डाल ही नहीं पाऊंगी क्रिसमस वाली तो बस मैं इस तरह से करके एंड यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी दोनों आईज में मैंने लगा लिया एंड फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक स्टेप करना है ब्लू कलर का कोई भी आपको आई लेना है उसके ऊपर इन्हें फिट करना है मैं तो उसके ऊपर आपको लगाना है एंड uh, उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर लगा लूंगी एंड अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी नॉर्मली अब ये जो है इसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ अपने uh, वीडियो पे ग्लिटर बहुत अच्छा है अगर आप इसका पर्टिकुलर देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट करना एंड जस्ट मैं इसके ऊपर जहां मैंने ब्लू लगाया है ना बस मैं वहीं पर uh, वो ब्लू कलर uh, के ग्लिटर को यूज करूंगी एंड जो मैंने पाउडर लगाया था बस उसको एक्सेस डस्ट कर लूंगी यार इसके बाद ये स्टेप ना मत छोड़ना बहुत सारे लोग ना छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं मत से तो ठीक हो जाना बट ये करोगे ना तो आपके जो मतलब है ना वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे ये मैं प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रही थी एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया अः माइक लैम का है ये एंड बहुत सारे प्रोडक्ट का मैं अभी रिव्यू करने वाली हूँ तो इसी बीच में मैं इसको भी आपको पर्टिकुलर दिखाऊंगी या फिर उसके बाद मैंने लेंसेज अः लेंसेज लगाए एंड यहाँ पे ना ये फेसेस कनाडा का ये मैं ब्रॉन्जर लगा रही हूँ जहाँ पे आपके हाई पॉइंट्स हैं चिक के नीचे का हेड पे बस आपको लगाना बस इतना फास्ट फास्ट नहीं लगाना है मैं ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कर दिया था अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पिंक कलर की ब्लश तो ये ना थोड़े साइनी वाले ब्लश है अगर आप वो थोड़ा नॉर्मल ब्लश भी लगा सकते हो बट मैं इतना मतलब पार्टी लुक बना रही हूँ नाइट के अकॉर्डिंग तो मैं थोड़ा सा डार्क लेना प्रेफर करती हूँ अब यहाँ मैं लिप बाम लगा लूंगी एंड इसके बाद मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई मैं अभी नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सी रेड कलर की लिपस्टिक बताई अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना तब तो मैं बताऊंगी क्योंकि या। चलो बताई देती हूँ ये लॉरियल का है एंड माई फेवरेट रेड है अब इसके क्ले के प्ले का ना मैंने बहुत सारे बाम मंगाए हैं लिप ग्लॉस कह सकते हो तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी एंड बस इसको इस तरह से काफी ज्यादा ग्लॉसी है यार बहुत इंस्टेंट आपके फेस पे ना एक मतलब बहुत ही सुंदर क्रिएट कर देता है मतलब क्या ही बोलू बहुत अच्छा लगा मेरे को तो पर्सनली एंड ये भी हाइलाइटर है माइक लैम से ही लिया है मैंने एंड ये ना फिर जो क्रीम बेस्ड है ये एंड इसके आप मतलब ये ना आपके फेस के अंदर अगर चमकी वैसा नहीं लगेगा अब देखो मैंने इतना लाइट सा लिया फिर भी ये कितना ज्यादा वो हो रहा है तो मतलब मैंने पहली बार ही इसको, इसको इस्तेमाल किया था तो आगे से मतलब तो जब आप इस्तेमाल करो ना तो थोड़ा सा लाइट अमाउंट मेरे को लग रहा है लेना पड़ेगा क्योंकि क्रीम है तो जितना अच्छे से ब्लेंडेबल बहुत ज्यादा ये लगा मेरे को एंड फाइनली मैंने बस छोटे से इयर पहने एंड मेरे को इस ड्रेस पे ना इस तरह की हेयर करना ज्यादा पसंद है बाकी आप चाहो तो इस तरह से खुले हेयर भी रख सकते हो कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को चेकआउट करना अगर अच्छा लगता है आपको कॉन्टेंट मेरा तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो तब तक के लिए टाटा टेक केयर